सुनाऊं, विघ्नेश्वर गणपति को मनाऊं। सब अभिनंदन लगे न्यारी।
का तुम्हें भोग लगाते जी की कथा मैं सुनाऊं पूरा भक्तों बखान विश्व विनायक कैसे महान हो बचपन में करते शैतानी के संग करते मनमानी सोचे शैतानी का हल वो ढूंढे मिल गया उनको एक समाधान होठों पे आई मुस्कान हो सोचे गर कुछ आज बता दूं शैतानी से ध्यान हटा दूं इसी काज से ध्यान बटाया ग्रंथ लिखने का देना काम ऋषिवर बोले देना ध्यान हो वेद व्यास जी बोलते जा गणपति सुन के लिखते जाते कार्य चलता था गतिमान गणपति जी को मिलता ज्ञान काज था ऐसा शैतानी का समय न मिलता जब लिखते जाते रचना में वो ध्यान
लगाते। वेद व्यास को भाया था काम, रचना का करे काज महान। हो पल ऐसा आया, रचना रुकी बड़ा मन घबराया। टूटी कलम हुआ ऐसा काम, गणपति सोचे क्या हो निदान। हो सहसा तब दांत है तोड़ा, लिखने की गति को फिर जोड़ा। लिखे दंत से रचना महान, महाभारत का लेखन का। जब सारे को जाना, आशीष दीना दिया सम्माना। लेखन की ना बात बिगाड़ी। कथा सुनाई जन जन को जो है सुखदाई। पाले फल का भी देते दान, चरणों में सब करे है प्रणाम। हो गणपति लीला महिमा गालो, जीवन अपना सफल बना लो। हो जाएंगे
राज की। भक्त जनों, भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, संकट मोचन है मेरे देवा गणेश, मंगल करता है विघ्न हरता है। भक्त जब जब इन्हें जिस जिस रूप में पुकारते हैं, मेरे गजानन देव दौड़े दौड़े आते हैं और उनके कष्टों का निवारण करते हैं। आज इस भजन के माध्यम से मैं आपको भगवान श्री गणेश जी की जन्म की पवित्र गाथा सुनाने जा रहा हूँ, जिससे सुनने मात्र से आप भौतिक जीवन के समस्त सुख भोग कर जीवन के अंत में भगवान श्री गणेश जी की कृपा को प्राप्त करेंगे। तो आइए सुनते हैं गौरी नंदन देव गजानन की पावन जन्म कथा। एक बार फिर दोनों हाथ खोलकर जयकारा बोल दीजिए, बोलिए गौरी नंदन भगवान श्री गणेश जी की। आओ भक्तों, श्री गणेश को ध्याए, आओ भक्तों, श्री गणेश को ध्याए। श्री गणेश के जन्म की गाथा, श्री गणेश के जन्म की गाथा भक्तों तुम्हें सुनाए। आओ भक्तों, श्री गणेश को ध्याए, आओ भक्तों, श्री गणेश को ध्याए। पावन कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। एक बार कैलाश पर्वत पर माता गौरा ने देखा कि शिव जी तो ध्यान में मग्न हैं। सोचा जब तक शिव जी का ध्यान टूटे मैं स्नान करके आ जाती हूँ। सो अपनी दो सखियों जया और विजया को साथ लिया तथा नंदी को संदेश देती हुई माँ स्नानाघर चली गई कि भगवान भोलेनाथ यदि मेरे पीछे उठे तो उन्हें बता देना मैं स्नान हेतु महलों में गई हूँ। यह कहकर माता स्नानागृह में आ गई। जया विजया ने माता को उपटन लगाया भक्तों कि तभी जया के मन में विचार आया कि हम तीनों यहाँ स्नानागृह में हैं, परंतु द्वार पर कोई पहरेदार नहीं है। क्या हो यदि कोई भूलवश भीतर आ जाए। जया ने अपने मन का विचार माता गौरा के समक्ष रखा। मैया गौरा ने एक उपाय सोचा, तन से उपटन उतारा, उस उपटन को मानव आकृति दी तथा प्राण मंत्र फूंक उसे एक हस्त पुष्ट बालक बना दिया। और उस बालक को क्या आदेश दिया, आइए सुनते हैं। बालक जाओ द्वार पे, जाओ जाके द्वार पे पहरा लाओ, कोई भीतर ना आ जाए, बालक इसका ध्यान लगाओ। गौरी चरण में शीश नवाया, भक्तों बालक द्वार पे आया, दंड को हाथों में उठाए, बालक पहरा देता जाए। अब आगे क्या होगा भक्तों, अब आगे क्या होगा भक्तों, आओ तुम्हें बताएं। आओ भक्तों, श्री गणेश को ध्याएं, आओ भक्तों, श्री गणेश को ध्याएं। और इधर होनी अपना खेल रचा रही थी भक्तों, भगवान भोलेनाथ की
तंद्रा टूटी। गौरा को इधर उधर ढूंढा तो पास नहीं पाया कि तभी नंदी ने संदेश दिया, प्रभु मैया स्नान हेतु महलों में गई है। शिव जी ने सोचा अब तक स्नान पूर्ण हो गया होगा, सो गौरा से महलों में जाकर मिल लेता हूँ। यह सोच वो महलों की ओर चल पड़े। द्वार पर पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, एक बालक द्वार पर बैठा है। परिचय पूछा तो बालक ने कहा मैं अपनी माता का पुत्र हूँ और द्वार पर पहरा देता हूँ। शिव जी भीतर जाने लगे तो बालक उन्हें रोकने लगा। शिव जी ने लाख समझाया कि मैं तो गौरा का पति हूँ, मैं भीतर जा सकता हूँ, परंतु बालक था कि मानता ही नहीं था। अब शिव जी को क्रोध आ रहा था भक्तों, और शिव जी को जब क्रोध आता है तो क्या होता है, आइए सुनते हैं। क्रोध में था त्रिशूल उठाया, बालक पर प्रहार कराया, बल में उसका शीश उड़ाया, सारा त्रिलोकी थर्राया। गौरा महल से बाहर आई, बालक को मृत वो थी पाई, भारी माँ ने रुदन मचाया, काली रूप था अपनाया। भोले शंकर मेरे लाल को, भोले शंकर मेरे लाल को जीवित आप कराएं, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। माँ गौरा का रौद्र रूप देखकर सब थर्रा गए भक्तों। शिव जी भी मन ही मन विचलित होने लगे कि गौरा को आखिर ये क्या हो गया है, परंतु माँ गौरा थी कि अपने लाल के प्राण लगातार वापस मांग रही थी। कहने लगी हे भोले शंकर, यदि मेरा लाल जीवित न हुआ तो आज मैं सारी सृष्टि को भस्म कर दूंगी। अब शिव जी ने एक उपाय सोचा, श्री हरि विष्णु का आह्वान किया, उनसे विनती की कि जाइए जो भी प्राणी पहले आपको मार्ग में मिले उसका शीश ले आइए। श्री हरि विष्णु गए तो एक गज का बालक घूम रहा था, उसी का शीश लाकर श्री हरि ने शिव जी को दे दिया। शिव जी ने गज बालक का शीश उस बालक के धड़ से जोड़ा, प्राण मंत्र पढ़ा और जैसे ही बालक जीवित हुआ तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी और भगवान श्री गणेश का दर्शन करने सारी सृष्टि उमड़ पड़ी। भक्तों ब्रह्मा दर्शन को थे आए, वेदों का वो ज्ञान ले आए, श्री गणपत को वेद थमाए, शिव जी गणों का ईश बनाए, विष्णु जी ने चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी जी ने सारा ही धन, वायु अग्नि शक्ति वारे, सारे बोल रहे जयकारे, इंद्र ने ऐरावत दे दीना, इंद्र ने ऐरावत दे दीना, मैया बलि बलि जाए, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। भगवान भोलेनाथ ने गणों का ईश बनाकर इनका नामकरण गणेश जी के नाम से किया। भगवान श्री गणेश जी के नाम के जयकारे तीनों लोकों में गूंज उठे। भक्तों ब्रह्मा जी ने वेद, माँ शारदे ने स्वर और ज्ञान, विष्णु जी ने चक्र सुदर्शन, माँ लक्ष्मी ने धन और धान, इंद्र इंद्राणी ने एरावत
और वज्र की शक्ति तथा वायु अग्नि अरुण वरुण सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां देव गजानन को प्रदान करी। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें प्रथम पूजनीय होने का आशीर्वाद भी दिया। तभी से भक्तों देव गजानन का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। सबसे पहले इन्हीं का पूजन किया जाता है। इनके नाम के बिना कोई शुभ कार्य आरंभ नहीं हो सकता। तो आइए हम भी देव गजानन के नाम से इस भक्ति पूजन का शुभ आरंभ करें। दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश के चरणों का ध्यान लगाते हुए एक बार जयकार बोलिए, बोलिए गौरी नंदन गजानन गणेश भगवान की। शिव जी प्रथम पूज्य बनवाए, मैया गौरा लाड लड़ाए, शिव गण झूमत नाचत जाए, गणपत की जयकार लगाए। जो भी गणपत नाम को गाते, आरती और चालीसा गाते, चंदन का जो तिलक लगाते, वो ही मुक्ति का फल पाते। गौरी नंदन भवसागर से, गौरी नंदन भवसागर से पल में पार लगाएं। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। सर्व कार्येषु सर्वदा बोलिए गौरी नंदन देव गजानन श्री गणेश जी महाराज की। भक्त जनों, वेद पुराण ऋषि मुनि भगवान श्री गणेश जी की महिमा गाते हुए थकते नहीं हैं। अनेक अनेक कथाएं आपने सुनी होंगी भक्तों, जैसे इनकी जन्म की अद्भुत गाथा, जैसे मूषक को अपनी सवारी बनाने की गाथा। परंतु आज इस संगीतमय गाथा के माध्यम से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि क्यों कर और किन परिस्थितियों में देव गजानन ने एक दंत का अवतार धरा और किस तरह मदासुर का मान भंग कर उसे अपने चरणों का दास बना लिया। तो आइए सुनते हैं भगवान श्री देव गजानन की और मदासुर के युद्ध की ये पावन संगीतमय कथा। ओ गजमुख देवा परम प्यारे, माँ गौरा की आंखों के तारे, अवतार के गाथा आओ भक्तों तुमको सुनाता। था कुछ इस प्रकार से है भक्तों, एक समय एक महर्षि हुए जिनका नाम था महर्षि च्यवन। उनका ही पुत्र था मदासुर। बचपन से ही अत्यंत बलशाली, जिसका बल देखकर त्रिलोकी भी हैरान रह जाती थी। अपने बलबूते पर उसने बड़े बड़े पहाड़ों को अपने स्थान से उखाड़ दिया। बड़े बड़े वृक्ष तो तिनकों की तरह उखाड़ा करता था मदासुर। तभी उसने सोचा कि क्यों ना दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शरणागति ली जाए। सो पहुंच गया उनके चरणों में उनका दास बनने के लिए। मदासुर का बल
और शक्ति देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी अति प्रसन्न थे। सो उन्होंने उन्हें एकाक्षरी मंत्र दिया और कहा, इसका जाप करो, इससे तुम त्रिलोकी के स्वामी बन जाओगे। अपने गुरु की आज्ञा पाकर मदासुर वनों को जा रहा है एकाक्षरी मंत्र का जाप करने, और आगे क्या घटना घटने वाली है आइए भक्तों श्रवण करते हैं। ओ ऋषि चमन का पुत्र मदासुर शक्तिशाली बहुत मदासुर शक्ति का ध्यान लगाने वन आया वो माँ को मनाने एकाक्षरी मंत्र ह्रीम का ऐसा घनघोर जाप किया भक्तों उसने कि उसके सारे शरीर पर मिट्टी जम गई, जिस पर चींटियों और दीमकों ने अपनी अपनी बांबियां बना ली। ऐसा घनघोर तप देखकर तीनों लोग थर थर कांपने लगे थे भक्तों, और मैया रानी उन्हें तो ऐसे जाप पर प्रसन्न होना ही था। सो उन्होंने मदासुर को दर्शन दिए। मदासुर ने अजर अमर होने का वरदान मांगा, परंतु माता ने यह वरदान नहीं दिया क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध था। तब उसने त्रिलोकी का विजेता होने का वरदान मांगा, सो माता ने तथास्तु कहकर यह वरदान उसकी झोली में डाल दिया। मैया का वरदान प्राप्त करते ही मदासुर ने तीनों लोकों पर अधिकार कर दिया। स्वर्ग को जीतकर इंद्रादि देवी देवताओं को स्वर्ग विहीन कर दिया। सभी देवी देवता सनत कुमार की शरण में आए, जहां उन्हें सनत कुमार ने बताया कि एक दंत स्वरूप की तपस्या कीजिए, केवल गजानन गणेश ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। ओ श्री गणेश को मन से ध्याओ, इन चरणों आवान लगाओ। वर्षों तक तप था लगाया, एक दंत ने दर्श दिखाया। वर्षों तक देवी देवताओं ने भगवान श्री गणेश के एक दंत स्वरूप की घनघोर तपस्या की। तब भगवान के एक दंत अवतार ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी शरण में आने का कारण पूछा।
कातर स्वर में सभी देवी देवताओं ने मदासुर के आतंक के विषय में एक दंत भगवान को बताया और कहा, अब त्रिलोकी में केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं प्रभु। श्री गणेश जी ने देवी देवताओं को ढाढ़स बंधवाया और आश्वासन दिया कि वो शीघ्र ही इस समस्या का समाधान करेंगे। सो अपने वाहन मूसे पर सवार होकर हाथ में कुठार, दंश और भाला लेकर भगवान एकदंत युद्ध भूमि में चले गए। भक्तों, पहले तो मदासुर के सैनिक भगवान एकदंत के सन्मुख आए और कर्मों की गति पाते हुए उनके हाथों मारे गए। अब आगे क्या विधि का विधान रच रहा है, क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। ओ देवों को ढाढ़स बंधवाए, एक दंत प्रभु सन्मुख आए। युद्ध भूमि आए अवतारी। गाथा सुनो सब से है महान, गौरी नंदन तुम्हें मदासुर के भेजे करोड़ों असुर एक दंत ने अपने प्रहारों से मार दिए। भक्तों, जब मदासुर को यह ज्ञात हुआ कि उसके सैनिक मर चुके हैं, तब भयंकर क्रोध में भरकर वो युद्ध लड़ने एक दंत भगवान के सन्मुख आया और अनेक अनेक शक्तियों का प्रयोग भगवान पर करने लगा। परंतु शक्तियां जिन चरणों की दासी हैं, वो भला एक दंत का क्या बिगाड़ सकती थी। मदासुर एक से एक शक्तियां चलाए जा रहा है और शक्तियां बजाए उनका अहित करने के उनके चरणों में समर्पित होती जा रही हैं। तब उसने अपना दिव्य धनुष निकाला और जैसे ही एक दंत पर प्रहार करने लगा, भगवान ने अपना पाश फेंक कर उसका धनुष तोड़ दिया और उसे मूर्छित कर दिया। जब उसकी मूर्छा वापस आई, उसे ज्ञात हो गया कि वो एक दंत भगवान के सन्मुख टिक नहीं पाएगा। सो मूर्छा से बाहर आते ही भगवान एक दंत के चरणों में गिर गया और क्षमा प्रार्थना करने लगा। भगवान ने भी उसे क्षमा दान कर अपनी शरणागति उसे प्रदान की। मदासुर ने देवताओं का स्वर्ग उन्हें ससम्मान लौटा दिया और भगवान गणेश के चरणों में शपथ खाई कि वो अब सदा धर्म के पथ पर चलेगा। तो इस तरह भगवान एक दंत ने मदासुर के अहंकार का अंत किया था। भक्तों, ओ असुर करोड़ों पल में मारे और मदासुर मद में दहाड़े। से लेकिन हारा, शरण में आया असुर बेचारा।